गाइस महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। सो आप लोगों प्यारे प्यारे प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और गर्मी में अपना ध्यान रख रहे होंगे, धूप से बच रहे होंगे। सो और बताइए, मैं उठ गई है सुबह सुबह, उठकर मैंने नहा वहा लिया है, सब कुछ कर लिया है। ये मेरा चश्मा है, इसे मैं लगाऊंगी क्योंकि मुझे कम दिखता है गाइस। हमेशा लगाने का मन नहीं करता, चश्मे से लगती हूँ इसीलिए। जब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है आँख पे, तो लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर नहीं लगाती हूँ। और अभी खाना वाना बनाना है, खाना वाना बना कर फिर मैं काफ़ी कर फिर रोज रोज़ का ड्यूटी काफ़ी कर थोड़ा आराम करूँगी, फिर नीचे दुकान में चलूँगी। ये वो हेन तेन सब आते होगी और फिर दिखते क्या होता है। तो चलिए, आप कहाँ जाएंगे? मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, तो चलिए खाना बनाते हैं फटाफट से। गाइस अब मैं जा रही हूँ दुकान में, चलिए आप भी हमारे साथ। हे गाइस, देखिए मैंने बनाया है दही आलू की सब्ज़ी। इसकी रेसिपी मैं आपको दिखाना भूल गई और कितनी रेमटिंग लग रही है सब्ज़ी। और इसमें ज़्यादा कुछ मसाला वसाला नहीं पड़ा हुआ है और तो बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी है। आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। क्या बेटा? तो गाइस मैं नीचे से आके फटाफट से खाना बना रही थी और मैंने आपको रेसिपी दिखाना भूल गई, और नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो ज़रूर दिखाऊंगी। दही आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है और मैंने बनाया है। इतनी गर्मी लगी थी गाइस, क्या करूँ, फटाफट से बनाया दही आलू की सब्ज़ी। मैंने रोटी बना लिया है, मेरा खाना पूरा बन चुका है, सब्ज़ी रोटी और सब्ज़ी में टेस्ट देखना है कैसा बना है। बहुत टेस्टी गाइस, मैं इसे हमेशा बनाती थी लेकिन कुछ महीनों से नहीं बना रही थी। आज याद आया कि चलो दही आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ, तो दही आलू मैंने बनाया। चलिए फटाफट सब्ताव कर लेती हूँ। मैंने कहा सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बना है और डेम्पटिक बना है, उसमें खास कुछ मसाले पड़ते रहिए गाइस। मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ क्योंकि मैं वीडियो बनाना भूल गई, जल्दी जल्दी आगे खाना बनाने लगा और मेरी बिटिया इतना परेशान करती है क्या बताऊँ। पहले आलू को बॉयल कर लीजिए, बॉयल करके थोड़ा नमक डाल के आलू को बॉयल करिएगा और फिर दही लीजिएगा। दही में धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्का सा काला नमक उसमें डाल के फेंट के दही में रख लीजिएगा। और क्या करना है, फिर थोड़ा सा सरसों तेल में थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हींग डाल दीजिएगा, प्याज मिर्चा का तड़का दे दीजिएगा, उससे अच्छा से ब्राउन कर लीजिए। एकदम ब्राउन नहीं करना है, ब्राउन से हल्का कम रहे। और उसमें फिर दही का मसाला डाल दीजिए और भूनते रहिए नमक डालकर, जब तक हमारा दही अच्छे से भून ना जाए, उसमें से तेल अच्छे से बाहर ना फेंक दे। फिर अपने बॉयल्ड आलू को उसमें डाल दीजिए और आलू के साथ उसको भूनिए और थोड़ा सा ऊपर से गरम मसाला डाल दीजिए। गरम मसाला डालने के बाद उसको भी अच्छे से भूनिए थोड़े देर के लिए। जब आलू भी अच्छे से उसमें से मतलब कि भून जाएगा मसालों के साथ, तो फिर अपना ग्रेवी रखना हो आपको तो मैंने ग्रेवी रखा नहीं है, आपने देखा है मैंने ग्रेवी नहीं रखा है, मेरा आलू एकदम सूखा सूखा है। ये सूखा सूखा ही अच्छा लगता है गाइस। तो उसमें थोड़ा सा पानी डालिएगा क्योंकि उसको थोड़े देर के लिए उसमें पकाया जाता है कि उसका दही का खटास जो होता है उसमें सोख ले। और क्या, बहुत ही सिंपल सब्ज़ी है गाइस। किसी और दिन बनाऊंगी तो मैं पूरा आपको वीडियो शेयर कर दूंगी। मैं भूल गई गाइस, सॉरी मैं भूल गई गाइस। तो चलिए फटाफट से, आज सुबह से मैंने खाना नहीं खाया, मेरे पेट में दर्द हो रहा था पता नहीं क्यों। अब चल रही हूँ, 9:30 बज रहा है, खा लूँ खाना नहीं तो फिर नहीं खा पाऊँगी अगर दर्द फिर से चालू हो गया तो। थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ गाइस, खाना के साथ ही मिलती हूँ, तो मैं खा रही हूँ आपको दिखाती हूँ। तो चलिएगा, आप जो सोचते हो मैं पागल हूँ, क्या करूँ, जो पागलपंती चलती है गाइस। तो चलिए फटाफट से, मुझे भूख लगी, मैं खाना खाती हूँ। तो गाइस देखिए मेरा खाना है, ये चावल फ्राई मैंने थोड़ा सा लिया है और रोटी, और ये मेरा दही आलू, बहुत ही टेस्टी खाना है गाइस, आप देख सकते हो। तो चलिए फटाफट से मैं इसे खाती हूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ गाइस। ओके, सो गाइस हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है और मेरी बेटी ने, मेरे हस्बैंड ने भी खाना खा लिया है, तो अब हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। और मैं नहा कर भी आ चुकी हूँ, चलिए 100 टाइम सोऊंगी।
तो चलिए आज इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और मेरी वीडियोस को लाइक सर कमेंट सर शेयर जरूर करें। और चलिए आप भी पीटी मीठी मीठी प्यारी प्यारी नींद सो जाइए और मैं भी जल्दी सोऊं। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब अगर गाइज, बाय बाय, टेक केयर गाइज।